अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तस्कीन अकबर और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरी वीडियो। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो यहां से इसे लाइक कीजिए और अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे आके कमेंट्स में इस जगह कमेंट कीजिए जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप मेरी वीडियो डेली देखना चाहते हैं, जो मेरी नई वीडियोज आएंगी आप डेली देखना चाहते हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब हो गया। और आप अगर मेरी वीडियो फौरन देखना चाहते हैं जैसे मैं अपलोड करता हूँ तो आपको फौरन मिल जाएंगी, तो यहाँ से इस बेल आइकन को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसके, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको मेरी वीडियो फौरन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो L-15 बनाई थी जो कि पाकिस्तान का नेक्स्ट ट्रेनिंग जेट एयरक्राफ्ट है, जो कि एक सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट है जो कि ट्रेन में पायलट ट्रेनर पायलट्स जो होते हैं उन्हें ट्रेन करने के लिए बनाया जाता है। तो आज की जो वीडियो है वो है T-129 तुर्की का, ये हेलीकॉप्टर है, गनशिप हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर। तो ये एक बहुत ही जदीद किस्म का हेलीकॉप्टर है, दुनिया का बेस्ट हेलीकॉप्टर में से एक है। पाकिस्तान ने ये हेलीकॉप्टर जो है 2016 में तुर्की से टेस्ट के लिए लिया था। तो हमने आज ये वीडियो इसलिए बनाई है कि पाकिस्तान Z-10 पे T-129 को क्यों तरजीह दे रहा है, जबकि इसकी खसूसियात Z-10 से तकरीबन मैच करती हैं, ये और Z-10 एक स्टेल्थ फाइटर है, हेलीकॉप्टर है, तो पाकिस्तान क्यों इसको तरजीह दे रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब पाकिस्तान ने इसे जून 2016 में तुर्की से टेस्ट के लिए हासिल किया था तो इसको जो सख्त तरीन किस्म के पाकिस्तान ने जो लेवल इसके लिए सिलेक्ट किए थे उन पर यह 100% जो है ये मतलब है कि तमाम टेस्टों में इसने पास किए हैं। सियाचिन जैसे ऊंची और इंतहाई सख्त मौसम वाले जो इलाके थे वहाँ पे भी इसने 100% वर्क किया है, ठीक है। उसके बाद वजीरिस्तान में और वजीरिस्तान के अलावा इसने फाटा के कुछ इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसके बाद जो है ना पाकिस्तान ने जो है तुर्की के साथ जो है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बुनियाद पर जो है ना T-129 को पाकिस्तान के अंदर ही तैयार करने के लिए जो है वो कोशिश शुरू की। तो तुर्की इस बात पे राज़ी हो गया और जब तुर्की इस बात पे राज़ी हुआ तो पाकिस्तान ने उस तुर्की की मदद से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स की बात की, जिसमें तकरीबन 2-1 साल लगेंगे, जो ये 2019-20 में जो है ना पाकिस्तान को मिलेगा। ये अब देखेंगे पाकिस्तान जो है सब मुआहदा हुआ है, ये देखें ऑपरेटर, ये देखें तुर्की हैज़ बीन लॉबिंग टू विन द कॉन्ट्रैक्ट टू रिप्लेस पाकिस्तान अगेन एजिंग AH-1F फील्ड, मतलब जो पाकिस्तान का कोबरा AH हेलीकॉप्टर है ना उसकी जगह पे ये तुर्की का जो T-129 है वो लाना चाह रहे हैं। Z-10 को भी पाकिस्तान ने मना नहीं किया चाइना को, क्योंकि वो एक महंगा हेलीकॉप्टर है और दूसरी बात यह है कि वो एक स्टेल्थ है और वो इतनी ज़्यादा जो है ना इन इलाकों में जो पाकिस्तान को जहाँ चाहिए वहाँ मार्किंग नहीं कर सकता। वैसे खसूसियत के लिहाज से तो वो ज़्यादा इससे ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वो स्टेल्थ है वो दुश्मन के इलाके में जाके अटैक करने के लिए बनाया जाता है, वो एक महंगा उसकी उड़ान ये बाकी चीज़ें महंगी पड़ती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने इसको क्यों इसको तरजीह दी Z-10 पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये देखिए, ये पाकिस्तान ने 2016 में पाकिस्तान के साथ हुआ इंटरेस्ट दिखाई टेस्ट के लिए जो है जून 2016 को पाकिस्तान ने लिया और मई 17 तक पाकिस्तान जो है इसके टेस्ट किया। पाकिस्तान ने काफ़ी लॉन्ग टर्म में इस टेस्ट करते रहे पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान ने जो है तुर्की को इसमें जो है ना इंटरेस्ट दिखाई, पाकिस्तान ने तो उसके साथ जो एग्रीमेंट किया तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान जो है असेंबल लाइन इन पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इन कामरा टू प्रोड्यूस्ड T-129। तो पाकिस्तान जो है T-129 को जो है ना कहाँ का असेंबलिंग करना चाहता है, कहाँ ये एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में। एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है पाकिस्तान का वो दो हिस्सों पर मुश्तमल है, एक एवियोनिक्स
और दूसरा डिज़ाइन पे। तो पाकिस्तान इसकी, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब इसकी एवियोनिक्स भी खुद बनाएगा और इसका जो डिज़ाइन है वो भी खुद ही तैयार करेगा। तो जो इसका इंजन है वो तुर्की भी बाहर से ले रहा है, तो पाकिस्तान भी बाहर से ही रहेगा। तो जहरी बात है जो इसके अंदर इंजन इंस्टॉल हुआ है वही लगेगा। तो इस वक्त इसको Z10 पे तरजीह देना क्यों? सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके अंदर जो वेपन सिस्टम इस्तेमाल हुआ ना वो अमेरिकन है और तुर्की है। इसके अंदर जितने मिसाइल लगते हैं, दो तरह के मिसाइल लगते हैं, एक तो अमेरिका के लगते हैं, दूसरा इसके अंदर जो मिसाइल लगते हैं वो लगते हैं तुर्की के। तो पाकिस्तान के पास क्योंकि अमेरिकन मिसाइलों का, ये देखिए AMI-92, ठीक है, ये रॉकस्टन क्रिस्टन, ये AMG-114 हेल्प, ये तमाम मिसाइल पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान अपने JF-17 AMI-92 JF-17 में, ठीक है, AMI-9 F-16 में, JF-17 में यूज़ करता है। तो पाकिस्तान के पास ये बहुत ज़्यादा मकदार में पड़े हुए हैं। तो इस तरह ये तमाम जितने भी हालात हैं इसके अंदर जो यूज़ हो रहे हैं, ये जितने मिसाइल सिस्टम इनके अंदर यूज़ हो रहे हैं, ये जो गन है इसके अंदर, ये देखिए एक गन है, गन मैक्सिमम 4 बोर्ड हैं, मशीन गन है, आपको दिखाता हूँ, ये मशीन गन यूज़ हुई है 12.7 mm की। तो ये मशीन गन भी जो है अमेरिकन है, इसलिए पाकिस्तान को के पास, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी अर्से से अमेरिकन असला यूज़ कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जबकि चाइनीज़ Z10 जो है वो टोटल चाइनीज ही मिसाइल और बाकी सिस्टम जो है यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो स्पेसिफिकेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसके अंदर जो क्रो हैं ये दो हैं और दोनों डिफरेंट हैं। तो इस क्रो में जो इस्तेमाल है दोनों का वो डिफरेंट है। ये दोनों के मतलब है कि जो फर्स्ट पायलट है उसका जो, उसकी जो अप्लाइंग है वो मुख्तलिफ है, जो सेकंड पायलट है उसकी जो अप्लायंसेस है वो मुख्तलिफ है। दोनों की अपनी अपनी जो है प्लान्स हैं, दोनों अपने अपना प्लान करेंगे। एक कंट्रोल करता है हेलीकॉप्टर को, दूसरा जो है वो मिसाइल्स वगैरह और जो गन्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है। तो इस तरह ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जहाज़ तैयार किया है, वर्ल्ड बेस्ट जहाज़ है। AH-2 के बाद जो है ना ये बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, इसलिए पाकिस्तान इसको पाकिस्तान ओरिएंटल कम्प्लेक्स में तैयार करना चाहते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे जो है आप लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो कोई बात। तो ये देखिए हम विकिपीडिया पे सारे सर्च की है और दूसरी बात है गूगल किया है, तो ये एथेटिक वेबसाइट्स हैं मुकम्मल, इसके अंदर हर चीज़ जो है उन्होंने दी हुई है। तो कोई इसमें ये नहीं है कि नहीं जी ये ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान ने नहीं लिया, पाकिस्तान नहीं ले रहा, ये ले रहा है पाकिस्तान, ठीक है, फ्यूचर ऑपरेटर है पाकिस्तान, इसका ये मुआहदा हो चुका है, ठीक है, और पाकिस्तान इसको पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार कर रहा है। कितने तैयार कर रहा है ये कोई कन्फर्म नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को ये है कि पाकिस्तान जो है इसके तकरीबन 40 यूनिट्स जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पर 40 यूनिट्स किया है। उसके बाद पाकिस्तान ने जो कि MI-35 जो है वो भी खरीदने का ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि 2017 के एंड तक जो है 4 पाकिस्तान को मिल जाएंगे और उसके अलावा उससे इसको जावज भी करें 17 तकरीबन और पाकिस्तान ने खरीदने हैं। इसी तरह 11 Z10 भी पाकिस्तान ने खरीदने हैं। तो मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर पाकिस्तान खरीद रहा है, तो उसके लिए जो है हमें टाइम चाहिए होगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हिसाब से पाकिस्तान एक वीक मुल्क है, तो ऐसा ऐसा चलता है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, JF-17 ब्लॉक 3 2019 में लॉन्च हो जाएगा जो कि 4.5 जनरेशन का है, तो उससे भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। उसके बाद T-129 पाकिस्तान ये कामरा में बना रहा है, तो कामरा इस वक्त बहुत बिजी जा रहा है। तो पाकिस्तान क्योंकि 2017 के अंदर पाकिस्तान को 4 MI-31 भी मिल जाएंगे, तो इसलिए पाकिस्तान ने जो Z10 वाला जो है ना प्रोसेस उसे थोड़ा कम पीछे कर दिया। ये देखिए Z10 पाकिस्तान ऑलरेडी 4 यूज़ कर रहा है, तो एक स्टेल्थ फाइटर जो है, जैसा कि इंडिया हमारा सबसे मतलब बड़ा टारगेट है,
तो इंडिया के पास अभी एक भी स्टेल्थ नहीं है, उसके पास कोई स्टेल्थ जहाज नहीं है, कोई स्टेल्थ वो नहीं है। तो एक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर भी बहुत होता है, क्योंकि अटैक करने जाना है, जो 4-5 किलोमीटर अंदर गए, अटैक किया, वापस आ गया, तो यही बहुत है। तो चार इसलिए पाकिस्तान, एक दो बहुत थे लेकिन पाकिस्तान इस टाइम क्योंकि चार यूज कर रहा है, तो पाकिस्तान ने महसूस नहीं किया कि भाई हमें इससे ज्यादा की यूज। देखिए ऑपरेटर्स में पाकिस्तान आर्मी तीन है, ठीक है, तीन है और एक आधा जो ट्रायल के लिए, टोटल चार आए हुए हैं पाकिस्तान में। तो ये बहुत है अभी, क्योंकि कुछ अर्से बाद 2019-20 के बाद पाकिस्तान जो है ना इसकी तरफ देखेगा, हाँ भी अब ये भी हमें खरीदना शुरू कर देना चाहिए, जबकि हम MH-35 और T-129 जब खुद घर में बनाना शुरू हो जाएंगे, MH-35 आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है ना जब स्पेस होगी थोड़ा, ब्लॉक 3 भी लॉन्च हो जाएगा, तो फिर रिलैक्स हो जाएगी आर्मी, तब ये Z-10 की तरफ देखेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है स्टेल्थ, इंडिया के पास है ही नहीं, जब इंडिया के पास स्टेल्थ आएंगे तब देखेंगे, अभी इंडिया के पास स्टेल्थ है ही नहीं, हमारे पास चार मौजूद है, हम तो कभी भी उनके इलाके में जाके जिसे वो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक तो करके आ सकते हैं। तो इसलिए जो है हमें जितनी की जरूरत थी वो पाकिस्तान के पास है, तो इसलिए Z-10 की तरफ पाकिस्तान अभी नहीं देख रहा, उसने इनकार नहीं किया लेकिन अभी देख नहीं रहा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।